नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? अभी निकल रहे हैं उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैंने कुछ स्पोर्ट्स लिस्ट किए हैं, कुछ स्पोर्ट्स की मैंने लिस्ट बनाई है जहाँ जहाँ जाना चाहिए मुझे। तो आज का दिन करते हैं स्टार्ट। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आप लोगों को साथ के साथ अपडेट करता रहूँगा और वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और वहाँ के आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा। हाँ, आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा वहाँ के, जैसे जो भी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। अभी निकलते हैं हॉस्टल से और मिलता हूँ आप लोगों को। ओके, तो मैं अभी हूँ दैजी ब्रिज पे। ये दैजी ब्रिज है और सामने आपको दिख रहा होगा सिटी पैलेस। ये यहाँ से है कहीं, ये सिटी पैलेस है आई थिंक। ये सिटी पैलेस है, उस तरफ जगदीश मंदिर है और अमराई घाट भी उस तरफ है। ये लेक का दूसरा हिस्सा, वैसे ये पिचोला लेक है इस तरफ, ये पूरी ये पिचोला लेक है और ये इस तरफ हॉस्टल है मेरा। तो अभी हमें जाना है उस तरफ, अभी हम जाएंगे पीछे की तरफ इस तरफ, और वहाँ का एरिया जो भी है वहाँ उस तरफ उसको एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ एक तो सहेलियों की बाड़ी है और एक फतेह सागर लेक है, तो वहाँ जा रहे हैं। और उसी तरफ मुझे खाना भी खाना है, जो ये दो भाई मिल गए थे, यहाँ हरियाणा के ही थे, तो उन्होंने मेरे को बताया, उनके साथ में चला गया था। तो वहाँ ठीक ठाक सा डिसेंट सा प्राइस था, 50-60 रुपीज़ में वो एक थाली फुल मील देते हैं। तो वहाँ अभी जा रहा हूँ मैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टूर उदयपुर सिटी का। तो कहाँ जाएंगे? पहले जाएंगे फतेह सागर लेक और फिर सहेलियों की बाड़ी। तो चलिए अभी चलते हैं। ये चेतक सर्कल है भाई, और ये आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये चेतक की मूर्ति है। तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ और यहाँ से आपको चलना क्या है, चेतक सर्कल तक पहुँच के जिस तरफ चेतक का मुँह है उस तरफ चलना है आपको यहाँ से, और यहाँ से दूसरी तीसरी गली है वहाँ आपको ठीक ठाक डिसेंट प्राइस में खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं है। तो चलिए चलते हैं यहाँ और आपको दिखाता हूँ गली वली कैसी है, कहाँ लोकेटेड है, कौन से शॉप्स वगैरह हैं, सब दिखाता हूँ। चलिए तो चेतक सर्कल से आप चेतक के मुंह की तरफ चलेंगे तो ये सामने पहला ही राइट साइड में मोड़ है। इस गली के अंदर हैं सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, यहाँ खाना वाना खा सकते हो आप। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है खाना वाना, ठीक ठाक डिसेंट सा प्राइस है। आपको 60-70 रुपये में एक थाली फुल मील मिल जाती है और यहाँ खा सकते हो आप आराम से। तो मेरा तो हो गया, अभी मैं खा के आ गया, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ रोड तक आया था। और अभी जा रहे हैं सामने रास्ता है फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी, 1.5-1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं पहले फतेह सागर। पहुंच गए बाबा कहाँ, फतेह सागर लेक। तो फतेह सागर लेक पहुंच गए और ये थी लेक जो अभी देखी, और इसके सामने मेरे सामने अभी है नेहरू गार्डन। ये वाला जो है ये नेहरू गार्डन है, इसके लेक के बीच में है। तो यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ तक कैसे जाया जाएगा। और ये एक छोटा सा हार्बर टाइप कुछ बना हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ से शायद वाटर स्पोर्ट्स का कुछ है, तो वहाँ से पता करते हैं कैसे जाया जाएगा वहाँ, और चलते हैं फिर नेहरू गार्डन पे। ये पूरी लेक साइड पे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं भाई, आप आराम से खा पी सकते हो यहाँ बैठ के। ये नेहरू गार्डन के लिए बोटिंग बोट्स वगैरह बुक करने के लिए टिकट का काउंटर है, और चलिए अभी देखते हैं कितना प्राइस क्या है टिकट वगैरह का, पूछते हैं। नॉर्मल बोट 59, लग्जरी बोट 118 रुपये, और बच्चों की 30 रुपये की है नॉर्मल बोट की, और लग्जरी बोट की है 59 रुपये की टिकट बच्चों के लिए।
लाइफ जैकेट और मास्क के बिना एंट्री नहीं है भाई। तो चलिए अभी इनसे भी कंफर्म करते हैं एक बार। तो ये भैया बता रहे हैं भाई अभी इनके पास नॉर्मल बोट तो है नहीं, और जो लग्जरी बोट है वो 118 की है, और वहाँ है वो बीच में बस एक आइलैंड है, और सिर्फ एक पार्क है भाई वहाँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है जिसके लिए स्पेशली जाया जाए। तो चलो मैं दिखाता हूँ भाई आपको, तो ये है वो नेहरू गार्डन, और ये सिर्फ एक पार्क है जो इसके लेक के बीच में बनाया गया है, वैसे मैनमेड ही है ये। तो ये इसके लेक के बीच में बना दिया गया है, और वहाँ तक जाने के लिए अभी ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया है यहाँ गवर्नमेंट का। ठीक है भाई चलिए चलते हैं, ये नेहरू गार्डन है वहाँ तो मैं नहीं जा रहा। तो यहाँ से आए थे हम इस तरफ से, और पीछे लेक रह गई हमारे, और यहाँ से अभी ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ एक्वेरियम के लिए रास्ता जाता है और इस तरफ जाता है लेक के लिए। तो फतेह सागर लेक का ये पार्ट भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक डैम है और इसका एक अच्छा खासा इतिहास है। तो महाराणा जय सिंह फर्स्ट ने यहाँ लेक बनाई थी 1687 में, और उसके 200 साल बाद यहाँ फ्लड्स वगैरह आए थे, उसमें ये तो जो इसका बंद था लेक का चारों तरफ जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी बह गई, और उसके बाद फिर महाराजा फतेह सिंह ने 200 साल के बाद महाराजा फतेह सिंह ने ये सारी दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ये पूरा पक्का काम करवा के, पत्थर की चिनाई वगैरह करवा के, और यहाँ पे ये डैम बनाया था जो मैंने अभी दिखाया आपको। तो ये कनॉट डैम बनाया था, इसका नाम है कनॉट डैम, ये महाराजा फतेह सिंह ने 1889 में बनवाया था। तो उसके 200 साल बाद महाराजा फतेह सिंह ने यहाँ इसका पूरा पक्का काम करवाया, पत्थर पत्थर की चिनाई करवा के, और ये कनॉट डैम बनाया था 1889 में, जब ड्यूक ऑफ कनॉट यहाँ आया था, और उस ड्यूक के, और वो था महारानी विक्टोरिया का बेटा ड्यूक ऑफ कनॉट, उसके आने में उसके क्या बोलते हैं उसके स्वागत में उसके सत्कार में उसके नाम से इसका ये डैम बना दिया गया। तो ये है इसका फतेह सागर झील का थोड़ा सा इतिहास, कैसे बना कब बना। तो ये इधर एक्वेरियम था, एक्वेरियम से निकलते ही हम जब राइट को चलेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है, और यहाँ वैसे टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है, आप जा सकते हो इस आइलैंड पे जा सकते हो, बट आप ऑब्जर्वेटरी के अंदर नहीं जा सकते, आप दूर से देख सकते हैं बस इसको। और ये जो अभी फाउंटेन्स आप देख रहे हो, ये जो दो बड़े बड़े छतरे हैं इस तरह के, उस तरफ भी हैं, तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग अगर यहाँ इवनिंग में आएंगे तो बेटर है, क्योंकि आपको ये फाउंटेन्स और लाइट शोज वगैरह थोड़ा बहुत कुछ दिखेगा, अभी तो दोपहर में तो क्या ही दिखेगा। तो एक मतलब दिन में आप हाँ उस तरफ जा सकते हो, कहीं मंदिर वंदिर में जा सकते हो, और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ आप दिन में, जैसे नागौर की हवेली है और जगदीश टेम्पल है, वहाँ आप जा सकते हो दिन में। और हाँ तो यहाँ अगर आना है तो आप दो तीन चीज़ें हैं जहाँ आपको रात को जाना चाहिए, एक यह है फतेह सागर लेक, रात को नहीं करिए इवनिंग में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, उनके बाद फतेह सागर लेक, सहेलियों की बाड़ी, और जगमंदिर। तो जगमंदिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वहाँ की टिकट है आपको 300 रुपीज़ की टिकट लगती है वहाँ, और बस वही है, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको आप देख सकते हो। और अभी मैं जाऊँगा कहाँ, हाँ अभी मैं जाऊँगा सहेलियों की बाड़ी, और ये है यहाँ पे क्या विभूति पार्क, इसको विभूति पार्क बोलते हैं, और ये लेक साइड का एरिया है पूरा, यहाँ से आप लोग जैसे ही चलोगे पूरा लेक साइड का एरिया है, और उसके राइट साइड में यहाँ विभूति पार्क है, आराम से बैठ सकते हो घूम फिर सकते हो इसमें, वैसा और लंबा चौड़ा देखने लायक यहाँ कुछ नहीं है, बाकी लेक और एक्वेरियम तो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ फतेह सागर लेक से है तकरीबन 2.5 किलोमीटर, अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, और रैपिडो वगैरह की काफ़ी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं उदयपुर में, सब कुछ चलता है भाई, स्मार्ट सिटी है तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हो।
बाइक टैक्सी वगैरह लेके वहाँ जा सकते हो। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम का हिसाब किताब लगा के फिर देखते हैं कैसे बाइक टैक्सी लेंगे या फिर पैदल जाएंगे।